तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर आते ही हवा चल रहा है, ठंडा ठंडा हवा, बहुत खूबसूरत लग रहा है, प्राकृतिक नज़ारा है। चारों तरफ आप देखेंगे तो पूरा पहाड़ी इलाका और पहाड़ों से घिरा हुआ शानदार नज़ारा है। ऐसे रहते मन्नत मानत अभी अब पूरा हो गया। अच्छा, हाँ। क्या था वैसे? तो बच्चा बीमार था। हाँ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अच्छा, बोले ज़्यादा ज़्यादा एक महीना, उसके बाद नहीं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप, जो लोग माता रानी से मन्नत मांगते हैं अपनी मनोकामना पूरी के लिए, और मनोकामना जब पूरा हो जाता है तो इस तरह से घुटने के बल माता रानी के दरबार तक जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन जंगल स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको रायपुर से डोंगरगढ़ लेकर आ गया हूं और डोंगरगढ़ का माता मंदिर घुमाने वाला हूं, बम्लेश्वरी माता मंदिर। पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा था कि किस तरह से आप रायपुर से डोंगरगढ़ आ सकते हैं, लोकल ट्रेन में टाइमिंग क्या है, टिकट क्या है, सब चीज़ में आपको जानकारी दिया हुआ था। इस वाले ब्लॉग में आपको मैं मंदिर का टूर कराने वाला हूँ, कैसे आप मंदिर घूम सकते हैं और टाइमिंग वाइमिंग क्या है, सब चीज़ मैं आपको कम्प्लीट डिटेल देने वाला हूँ। नवरात्रि के पहले क्या तैयारी चल रहा है वहाँ पर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ डोंगरगढ़ स्टेशन, और स्टेशन से आप देखिए माता रानी का मंदिर दिखाई देता है, वो रहा ऊंचे पहाड़ पर बम्लेश्वरी माता का मंदिर। तो अभी मैं आपको मंदिर तक लेकर चलूँगा। यहाँ स्टेशन से दूरी की बात करूँ तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास मंदिर है, या आप पैदल जा सकते हैं या फिर ऑटो वगैरह भी मिल जाता है। तो अब मैं निकल चुका हूँ स्टेशन से बाहर, और स्टेशन से बाहर निकलते ही सबसे पहले चलूँगा अभी कुछ नाश्ता वगैरह करूँगा, क्योंकि सुबह से घर से निकला हुआ हूँ तो कुछ खाया नहीं था, तो कुछ नाश्ता वगैरह करूँगा, उसके बाद सीधा चलूँगा मंदिर की तरफ और वहाँ से आपको ले कर चलेंगे। ये देखिए ये ऑटो वाले सब भैया लोग हैं। यहाँ से मंदिर तक जाने के लिए कितना लेते हो भैया? एक अगर जाएगा तो 10 रुपये सवारी है। हाँ, सिंगल सवारी का 10 रुपये। हाँ। अच्छा, और 1 से 5 तक है 50 रुपये। तो सिंगल को ले जाते हो कि नहीं मंदिर तक? ले जाते हैं ना। ले जाते हैं ना। कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। तो ऑटो वाले भैया लोग बता रहे थे कि सिंगल सवारी का जो चार्जेस है वो 10 रुपये का है, अगर आप सिंगल भी है तो भी लेकर जाते हैं बोल रहे हैं। तो स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं, और स्टेशन से बाहर निकलते ही यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट है, लॉज है, अगर आप रुकना चाहते हैं तो रेस्टोरेंट में अभी नाश्ता वगैरह करूँगा, उसके बाद सीधा निकलूँगा मंदिर की तरफ। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ पैदल, और 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है मंदिर। तो स्टेशन से जस्ट बाहर निकलने के बाद मैं आ चुका हूँ एक रेस्टोरेंट में, यहाँ भी खाना वगैरह खा लेता हूँ, उसके बाद सीधा निकलूँगा मंदिर की तरफ के लिए दर्शन करने के लिए। तो सुबह से निकले हुए थे तो कुछ खाए नहीं थे, तो ये है, और ये जो थाली का प्राइस है वो 60 रुपये है, इसमें है दाल है, सब्जी है, चना सब्जी और सलाद है और चावल है, तो ये 60 रुपये थाली है। जल्दी से खाते हैं इसको, उसके बाद फिर निकलेंगे सीधा मंदिर तरफ के लिए दर्शन करने के लिए। जस्ट खाना वाना खा के मैं निकल चुका हूँ मंदिर की तरफ जाने के लिए। यहाँ से मंदिर की दूरी जो है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। खाना बढ़िया था, 60 रुपये में, उतना भी खास नहीं था, लेकिन आप 60 रुपये से भी कम में खाना चाहते हैं तो यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसके अलावा एक और ऑप्शन है, मंदिर ऊपर में भंडार गृह है जहाँ पर 10 या 20 रुपये का कूपन कटता है, और आप अनलिमिटेड जितना चाहे उतना भर पेट खाना खा सकते हैं ऊपर में प्रसाद, तो वो भी आपका आपके पास ऑप्शन है। बाकी चलते हैं, हम मंदिर वाले एरिया तरफ जा रहे हैं, और जैसे ही मंदिर वाले एरिया तरफ पहुँचेंगे फिर डिसाइड करेंगे कि रोपवे से जाएँगे या फिर सीढ़ी से जाएँगे करके, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, वापस भी जाना है रायपुर। यहाँ पर मंदिर रास्ते में बहुत सारे स्टॉल हैं, बहुत सारे दुकान हैं, देख सकते हैं यहाँ पर नीलम भोजनालय करके है, 40 रुपये और 50 रुपये में भी है, तो ऑप्शन बहुत सारे हैं आपके पास। बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे डोरमेट्री है, बहुत सारे होटल्स हैं और रेस्टोरेंट भी है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं आप महंगे वाले में जाते हैं या फिर सस्ते वाले में जाते हैं। तो अभी मैं मंदिर वाले एरिया की तरफ जा रहा हूँ, और लगभग 800 मीटर और बचा हुआ है, पैदल पैदल इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको रास्ते का पूरा नज़ारा दिखा सकूँ। ये एक चौक जैसा है, यहाँ पर ही बहुत सारे लॉज है, वो है वेलकम लॉज, शुभारम्भ होटल, बहुत सारे लॉज हैं वहाँ पर, देखिए 300 रुपये में हॉल डोरमेट्री की सुविधा, सेंटर पॉइंट लॉज, बहुत सारे लॉज हैं यहाँ पर। रुकने के लिए कोई टेंशन नहीं है, लॉज होटल सब चीज़ मिल जाएगा यहाँ पर आपको, और नवरात्रि में थोड़ा सा भीड़ रहता है तो थोड़ा सा प्राइस भी बढ़ जाता है। बाकी
₹100 से स्टार्ट हो जाता है डोरमेट्री यहाँ पर, ₹100 से जितने भी आगे आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो मंदिर वाले एरिया में मैं पहुँच चुका हूँ, यहाँ पर बहुत सारे दुकान हैं जहाँ से आप नारियल फूल माला खरीद सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये टिकट काउंटर है रोपवे का, पहले का, पहले यहीं पर टिकट मिलता था रोपवे का, लेकिन अब वहाँ पर बनाया गया है एक स्पेशल वाला। मैं आ चुका हूँ रोपवे के पास और देख सकते हैं एक रोपवे यहाँ से जा रहा है सीधा मंदिर तक लेकर जाएगा। टिकट की बात करूँ तो पिछले साल यहाँ पर टिकट जो था वो ₹70 जाने का था और आने जाने का ₹100 लिया जाता था। फिलहाल आज जो है वो रोपवे में अभी ट्रायल चल रहा है, क्योंकि दो दिनों बाद नवरात्रि है इसलिए ट्रायल चल रहा है। देखिए कोई भी नहीं बैठा है इसमें, पूरा खाली है, क्योंकि बहुत सारे भक्त यहाँ पर आते हैं तो मेंटेनेंस जो है वो अच्छे से होना चाहिए इसलिए ट्रायल किया जा रहा है। पूरा खाली है, तो अभी मैं आपको काउंटर की तरफ लेकर जा रहा हूँ और टिकट का पूरा बकायदा प्राइस पूछकर बताने वाला हूँ। मैं आपको लेकर आ गया हूँ रोपवे का नया टिकट घर के पास, देख सकते हैं ये मेरे पीछे है। और टिकट की बात करूँ तो जाने आने का ₹100 है आने जाने का, और सिर्फ जाने का ₹70 लिया जाता है। यह टिकट घर फ़िलहाल अभी बंद है क्योंकि मेंटेनेंस का काम चल रहा है, ट्रायल का काम चल रहा है इसलिए बंद है। और भी मैं आपको टिकट घर के पास जाकर दिखा देता हूँ प्राइस वगैरह, ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए। और यहाँ से टिकट लेने के बाद इधर से जाते हैं अंदर, देखिए टाइमिंग वगैरह आप देख सकते हैं। पूरा फ़ोन पे वगैरह नहीं चलता यहाँ पर, सिर्फ कैश ही चलता है, तो आप अपने साथ कैश लेकर आइए जब भी आते हैं। बाकी मंदिर वाले रास्ते में बहुत सारे स्टॉल हैं जहाँ से आप नारियल फूल माला खरीद सकते हैं, ये सब स्टॉल लगे हुए हैं। सामने देख लीजिए ये मंदिर का मेन एंट्री गेट है, और यहाँ से ऊपर सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करूँगा, और लगभग 1000 से ऊपर यहाँ पर सीढ़ी है, क्योंकि रोपवे तो बंद है यार, रोपवे से नहीं जाएंगे अभी, सीढ़ी से ही जाने वाले हैं। और जितनी बार भी मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ सीढ़ी से ही गया हूँ, एक बार बस रोपवे से गया हुआ था। तो रोपवे का टिकट विकट सब बता दिया हूँ आपको, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मंदिर तरफ जाने का, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब आप नवरात्र के टाइम आएंगे तो ये पूरा भरा रहेगा, पूरा भीड़ रहेगा, भक्तों से भरा रहेगा। बाकी ये सब बैरिकेड्स किया जा रहा है, दो दिन बचे हुए हैं नवरात्रि, इसलिए सब बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु हैं भक्तगण हैं वो एक कतार से माता रानी का दर्शन करने के लिए जा सके। अभी लगभग ऊपर तक पहुंचने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है, ज़्यादा भी लग सकता है या कम भी लग सकता है। लगभग 1000 से ऊपर सीढ़ी है यहाँ पर, कार्यालय है जहाँ पर आप दान वगैरह दे सकते हैं। बाकी गाइज यहाँ पर आप आते हैं तो नौका विहार की भी सुविधा है, आप नौका विहार बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। बोटिंग का जो प्राइस है मात्र ₹20 का है। और यहाँ पर एक पार्क भी है बच्चों के लिए, चिल्ड्रन पार्क, देखिए लिखा हुआ है माँ बम्लेश्वरी चिल्ड्रन पार्क, तो बच्चों के लिए बहुत सारे झूले वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पर। बाकी ये नौका विहार में आप बोटिंग भी कर सकते हैं। नौका विहार तो फिलहाल अभी के लिए बंद है, और ₹20 में आपको 15 मिनट तक घुमाया जाता है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है नौका विहार से संबंधित पूरा दिशा निर्देश लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और ₹20 में आपको 15 मिनट तक घुमाया जाता है। बाकी लाइफ जैकेट वगैरह सब दिया जाता है, ताकि सुरक्षा के लिहाज से लाइफ जैकेट वगैरह सब दिया जाता है। और ये देखिए सब बोट वगैरह रखे हुए हैं, मेंटेनेंस का काम चल रहा है अभी। सभी हो रहे हैं 1:40 और मैं सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ माता रानी का नाम लेते हुए, जय माता दी। तो यहाँ से लगभग 1000 से ज़्यादा सीढ़ी है, और सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट कर दिया हूँ। टाइम हो रहे हैं 1:40, अब देखते हैं ऊपर कितना बजे तक पहुँचते हैं। जैसे ही आप आएंगे सबसे पहले पड़ेगा संकट मोचन हनुमान मंदिर, हनुमान जी का दर्शन करने के बाद आप सीढ़ी चढ़ना पूरा स्टार्ट करेंगे। 2 दिनों बाद नवरात्रि स्टार्ट होने वाला है इसलिए तैयारी चल रहा है, पूरा मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, साफ़ सफाई का काम किया जा रहा है। और जैसे ही आप सीढ़ी चढ़ेंगे हल्का हल्का आपका सांस फूलना स्टार्ट होगा, तो आप अपने साथ एक पानी बॉटल ज़रूर रखिए, क्योंकि रास्ते में बहुत प्यास लगने वाला है। मेरा सांस तो अभी से धीरे धीरे फूल रहा है, आप देखते हैं जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे। नवरात्र के पहले भी बहुत सारे श्रद्धालु और भक्तगण यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, कुछ कुछ लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और कुछ कुछ लोग दर्शन करके नीचे उतर रहे हैं। और इस तरह से आप नज़ारा देखते हुए पूरा मंदिर तक जाएंगे, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा सांस फूलेगा, हल्का हल्का सांस फूलेगा, आप अपने साथ एक पानी बॉटल ज़रूर रखिए,
पानी वाटर रखते हैं तो पानी पीते पीते रास्ते में चलेंगे तो आपको थोड़ा एनर्जी मिलेगा। बाकी माता रानी का नाम लेते हुए आप ऊपर चढ़ेंगे और इस तरह से बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए घुटने के सहारे भैया ऊपर चढ़ रहे हैं मंदिर तक, और जो लोग मन्नत मंगे रहते हैं मनोकामना पूरी के लिए वो लोग इस तरह से घुटने के बल पूरा ऊपर मंदिर तक जाते हैं। कहाँ से हो भी आप? भिलाई से। भिलाई से, अच्छा। तो माता के मंदिर तक पूरा ऐसे ही जाने वाले हो? हाँ। अच्छा, कुछ मन्नत वन्नत ऐसे रहते हैं? मन्नत माना था भैया, पूरा हो गया। अच्छा। हाँ। क्या था वैसे? वो बच्चा बीमार था। हाँ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अच्छा। बोले ज्यादा ज्यादा एक महीना, उसके बाद नहीं। तो मैं माता से मांगा था कि अगर मेरा बच्चा देगा तो मैं घुटना बुलाऊंगा। अच्छा। लेट हो गया, 3 साल बाद आ रहा हूँ। जी जी। हाँ, लेकिन वही है। भिलाई छत्तीसगढ़। हाँ। क्या नाम लिखते हैं आप? सतीश यादव। अच्छा, ओके। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप, जो लोग माता रानी से मन्नत मांगते हैं अपनी मनोकामना पूरी के लिए, और मनोकामना जब पूरा हो जाता है तो इस तरह से घुटने के बल माता रानी के दरबार तक जाते हैं। भाई बहुत प्राचीन मंदिर है ये, और लगभग 1600 फीट की ऊँचे पहाड़ी पर माता रानी का मंदिर है, भव्य मंदिर। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, और बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, हजारों साल पुराना मंदिर है। लोग मन्नत मांगते हैं, मन्नत भी पूरा होता है। लगभग हम 200 से 250 सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ चुके हैं, और सबसे पहला व्यू पॉइंट यहाँ पर पड़ा हुआ था जहाँ से आप पूरे डोंगरगढ़ शहर का नज़ारा देख सकते हैं। इसके ऊपर और भी एक व्यू पॉइंट पड़ता है जो सबसे बड़ा व्यू पॉइंट है, जहाँ से पूरा शहर का नज़ारा दिखाई देता है। बाकी आप चलते रहेंगे तो रास्ते भर में आपको पूरा पहाड़ी एरिया दिखाई देगा। देख सकते हैं बड़े बड़े पहाड़ है पूरा, और पत्थर को देखिए किस तरह से उसमें अटका हुआ है। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये नीचे ढूल जाएगा, गिर जाएगा, ऐसा टाइप का लग रहा है, बट ये नहीं गिरेगा, ऐसे ही है, प्राकृतिक नज़ारा है पूरा। और वो रहा सामने एक व्यू पॉइंट जहाँ से पूरा शहर का नज़ारा दिखाई देता है। इसके ऊपर एक और है बड़ा वाला। बाकी इस तरह से नज़ारा देखते हुए आप पूरा मंदिर तक जाएंगे, और यहाँ पर एक और पॉइंट है जहाँ से आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। 2-3 स्टूडियो है यहाँ पर जहाँ आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। ये देखिए आप सामने एक पहाड़ है जो कि हाथी के आकार का है, ऊपर चढ़ने के लिए बनाया गया है बैठने के लिए, और सामने आप देखिए पूरा हाथी का चेहरा बनाया गया है, फेस बनाया गया है। आप नवरात्रि के टाइम आते हैं तो ये एरिया पूरा भीड़ रहता है, पैर रखने तक का जगह नहीं रहता। लेकिन अभी आप देख सकते हैं नवरात्रि के पहले, मतलब 2 दिन पहले, सब तैयारी चल रहा है, साफ़ सफाई चल रहा है, और खाली है, बहुत कम लोग हैं। वैसे कुछ कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग दर्शन करके नीचे भी उतर रहे हैं। लगभग लगभग अभी घूमेंगे तो थोड़ा सा ऐसा माहौल मिलेगा आपको, हल्का खाली मिलेगा, और हल्का थोड़ी थोड़ी देर में भीड़ मिलेगा। ऊपर वाले रास्ते में हो सकता है भीड़ होगा, बाकी इसमें तो अभी खाली है। और ये एक हॉल जैसा है जहाँ आप बिल्कुल निःशुल्क रुक सकते हैं। मान लो अगर आप आते हैं यहाँ पर और आपके पास रुकने का कुछ भी साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल रुक सकते हैं, वो भी फ्री में। ये हॉल जैसा है, पंखा वगैरह सब लगा हुआ है यहाँ पर। चढ़ते चढ़ते लगभग हम 50% सीढ़ी चढ़ चुके हैं और आ चुके हैं बीच वाले एरिया में। यहीं पर बीच में तेंदुआ दिखाई दिया था इसलिए ये बोर्ड लगा हुआ है। यह वन्य प्राणी विचरण क्षेत्र है, कृपया वन्य प्राणी से सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। यहीं पर एक बार आया था तेंदुआ, और यहीं कहीं कैमरा लगा हुआ है। ये देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसी वाले सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ था तेंदुआ। तो एक बार आया था 2-3 महीना पहले, 2-3 महीना पहले नहीं, लगभग 5-6 महीना हो चुका है। चलते चलते थोड़ा थकान लगता है, लेकिन इन प्राकृतिक नज़ारों को देखते हुए अगर आप चलेंगे तो थकान का आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, और आप ऊपर मंदिर तक पहुंच जाएंगे। देखिए कितना बड़ा बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है, और पहाड़ के उस पार आप देखेंगे तो पूरा शहर का नज़ारा दिखाई देता है, पूरा डोंगरगढ़ सिटी का नज़ारा दिखाई देता है। रास्ते में इस तरह से विश्राम गृह बनाया गया है, अगर आपको थोड़ा थकान लगता है तो बैठ सकते हैं, और विश्राम गृह के अलावा आप सीढ़ी में भी बैठ सकते हैं। सीढ़ी बिल्कुल क्लीन रहता है, स्वच्छ रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। ये देख सकते हैं पूरा साफ़ सुथरा सीढ़ी है,
और हम भी चढ़ते जा रहे हैं ऊपर। माता रानी का दरबार वहाँ पर है पहाड़ में, और बिल्कुल शांत है भाई अभी, क्योंकि नवरात्रि है। नवरात्रि 2 दिन बाद है, तो यहाँ पर माहौल रहेगा। अभी कुछ कुछ लोग ही दिख रहे हैं। जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक नज़ारा दिखाई दे रहा है। और सांस थोड़ा फूल गया है सीढ़ी चढ़ने की वजह से, इसलिए थोड़ा सा रुक रुक के बोल रहा हूँ। बाकी ये देख सकते हैं 2 रास्ते हैं, एक ही वाला भी रास्ता है और एक ही वाला रास्ता है जहाँ से श्रद्धालु भक्तगण आते जा रहे हैं। इस वाले रास्ते में अभी जाएंगे तो पूरा स्टॉल लगा होगा। बाकी आप पूरा नज़ारा देखिए इधर, डोंगरगढ़ शहर का नज़ारा इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। 1600 फीट ऊँचे पहाड़ पर माता रानी का मंदिर है, और नवरात्र में ज़ोरदार भीड़ लगता है यहाँ पर। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। और आप लोग भी कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखे, और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप वीडियो में बने रहिए, अभी माता का दर्शन करेंगे। और मैं आपको बताया था कि रोपवे का मेंटेनेंस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है रोपवे का। मेंटेनेंस कार्य 2 दिन पहले चल रहा था, वो पूरा हो चुका है, और अभी ट्रायल चल रहा है। आज और कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो रोपवे में ट्रायल चल रहा है। तो रोपवे में अगर आप आते हैं मंदिर, तो यहाँ पर आप उतरेंगे, यहीं पर आपको उतारता है रोपवे। ये देख सकते हैं अभी ट्रायल किया जा रहा है पूरा लगातार, जो रोपवे है ऊपर नीचे हो रहा है। और आप रोपवे से आते हैं तो यहीं पर उतरेंगे। यहीं पर एक भंडार गृह भी है, उसको मैं आपको आगे दिखाऊंगा। भंडार गृह में ऐसा है कि आप कूपन 20 रुपये या 10 रुपये का कूपन कटा के खाना खा सकते हैं। यहाँ से कुछ ही सीढ़ी और बचा हुआ है, उसके बाद पहुँच जाएंगे मंदिर के पास। और जूता चप्पल रखने का ये अंतिम स्थान है। ये देखिए कुछ कुछ वर्क चल रहा है अभी। और यहीं पर एक कार्यालय है जहाँ से आप ले सकते हैं भंडारा भोजन का कूपन, जो कि 20 रुपये का मिलता है, और सुबह 11 बजे से चालू हो जाता है, दोपहर के 3 बजे तक रहता है। और बस कुछ ही सीढ़ी और बचे हुए हैं, उसके बाद पहुँच जाएंगे ऊपर मंदिर तक, माता के मंदिर तक। बस आप ब्लॉग में बने रहिए, इतने दूर तक आप ब्लॉग देखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो यहाँ तक हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके कमेंट कीजिएगा। ये पूरा टीवी वगैरह लगाया गया है ताकि माता जी को आप लाइव भी देख सकते हैं टीवी में। बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, तो क्या है, टीवी में लाइव चलते रहेगा मंदिर का, तो उसके लिए टीवी वगैरह सब लगाया गया है। और यहाँ पर आप देखिएगा इस एक बड़ा सा पहाड़ है, वो बीच में फंसा हुआ है, बड़ा सा पत्थर है वो बीच में फंसा हुआ है, आजू बाजू पहाड़ है। और यहाँ पर आप सबसे पहले दर्शन करेंगे दादी माँ मंदिर का। चलिए अब चलते हैं ऊपर मेन वाले मंदिर के पास। और इस तरह से ये पूरा पहाड़ है, देख के ऐसे लग रहा है कि गिर जाएगा, बट ये पूरा प्राकृतिक नज़ारा है भाई। इस तरह से पूरा चढ़ाई है, और लगभग 1000 से ज़्यादा सीढ़ी यहाँ पर है डोंगरगढ़ में माता के मंदिर में। और बस कुछ ही सीढ़ी और बचे हुए हैं, उसके बाद माता के मंदिर तक पहुँच जाएंगे और दर्शन होगा। तो बस बने रहिए, आप पर आ चुके हैं। और ऊपर से आप नज़ारा देखिए, चारों तरफ पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ और हरे भरे नज़ारे हैं। और वो सामने है ऊपर माता का मंदिर। लगभग हम पहुँच चुके हैं माता के मंदिर के पास, और अभी आपको दर्शन कराने वाले हैं। ये रहा सामने माता का मंदिर, तो चलिए चलते हैं। देखिए सकते हो माता का मंदिर 1600 फीट ऊंचे पहाड़ पर है, और देखिए ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर माता का मंदिर है, ये मंदिर बना हुआ है और पहाड़ में माता रानी विराजित है। तो ये पहुंच चुके हैं माता रानी के मंदिर तक, दर्शन कर लीजिए आप घर बैठे माता रानी का। जय मां बम्लेश्वरी।
बाकी आपको मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये सामने जो आपको गेट दिखाई दे रहा है ये चांदी का गेट है और जय माँ बम्बलेश्वरी लिखा हुआ है, ये सोने का परत चढ़ाया गया है। अंदर भी माता रानी के दरबार को सजाया गया है, पूरा सोने का परत चढ़ाया गया है। माता का तो दर्शन कर लिए हैं, दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी मैं दर्शन करा दिया हूँ, दर्शन बहुत अच्छे से हुआ है। बाकी भीड़ के बारे में बात करूँ तो अभी नवरात्रि 2 दिन बचे हुए हैं और भीड़ जो है वो लगभग बहुत कम है, अभी कुछ कुछ लोग आ रहे हैं दर्शन करके जा रहे हैं। जैसे ही नवरात्रि स्टार्ट होगा धीरे धीरे भीड़ बढ़ते जाएगा, अब जो है वो भीड़ बढ़ना चालू हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए धीरे धीरे भीड़ बढ़ना स्टार्ट हो रहा है क्योंकि नवरात्रि 2 दिन बचे हुए हैं मात्र, तो 2 दिन पहले ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल अभी जा रहा हूँ मैं व्यू पॉइंट की तरफ और आपको व्यू दिखाने वाला हूँ वहाँ से, जो डोंगरगढ़ शहर का नज़ारा दिखाई देता है, सिटी का नज़ारा दिखाई देता है, वो वही वाला व्यू पॉइंट से नज़ारा दिखाई देता है। फाइनली अब उस लोकेशन पर मैं आपको लेकर आ गया हूँ जहाँ से व्यू पॉइंट है, जहाँ पर व्यू पॉइंट है और व्यू पॉइंट से आपको पूरा नज़ारा दिखाई देने वाला है, पूरा डोंगरगढ़ सिटी का नज़ारा दिखाई देने वाला है। और ये जो नज़ारा है वो किसी जन्नत से कम नहीं है भाई, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। पॉइंट में एक बड़ा सा पत्थर है जो अटका हुआ है, काफ़ी प्यारा नज़ारा है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर आते ही हवा चल रहा है, ठंडा ठंडा हवा, बहुत खूबसूरत लग रहा है, प्राकृतिक नज़ारा है। चारों तरफ आप देखेंगे तो पूरा पहाड़ी इलाका और पहाड़ों से घिरा हुआ शानदार नज़ारा है, हरा भरा नज़ारा। और यहाँ से पूरा डोंगरगढ़ शहर का, डोंगरगढ़ सिटी का नज़ारा दिखाई देता है। ये देखिए ऊपर आते ही एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और बहुत ही सुकून भरा प्लेस है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। ये देखिए छोटा सा बंदर है एक, ये जा रहा है, और बहुत सारे बंदर हैं उधर भी, बहुत सारे हैं यहाँ पर भी, है इधर भी, पेड़ में बैठे हुए हैं। और यहाँ से आप देखिए माता का मंदिर, वो ऊपर ऊंचे पहाड़ पर जहाँ झंडा लहरा रहा है, बहुत खूबसूरत है। तो जैसे जैसे यहाँ पर शाम होते जा रहा है वैसे वैसे नज़ारा जो है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहा है। और चारों तरफ आप देखेंगे तो पूरा पहाड़ी इलाका, पहाड़ों से घिरा हुआ डोंगरगढ़ सिटी का नज़ारा दिखाई देता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो ठंडा ठंडा हवा भी चलते रहता है, बहुत प्राकृतिक नज़ारा है और बहुत खूबसूरत नज़ारा है भाई। बाकी ये मंदिर देखिए, पूरा पहाड़ है नीचे,